और सबसे बड़ी बात है कि आगे कुत्ते हैं और कुत्ते भागे तो फिर आपका भाई भागेगा और क्या करेगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग के साथ। और अभी आपका भाई जाने लगा है मूंगफली लेने, पूछा मैंने कुछ विद हुसैन, और गर्मा गर्म मूंगफली लेके आते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से लाइक और बेल आइकन को दबा के सब्सक्राइब कर लें जी। आज का ब्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। A few moments later, साहब बाहर जोन सी सर्दी ने बहुत ही कमाल की है। आपके भाई ने कुछ पहना भी नहीं है, उसे हैने लेदर की जैकेट पहन लिया, ये देखे दंदियां निकाल ला, और आपके भाई ने कुछ भी नहीं पहना आया। और साथ उसे है ना ये लेके आया, कहता है बहुत अच्छी कटलेट्स की दुकान है, उधर चलते हैं। मैं कहा चलें जी, फ्राइज आप देखिए माशाल्लाह, चलें जी ये चेक करते हैं। जोनसा ना बहुत ही मजा आया, बहुत ही क्रंची थी। अभी हम लेने जाने हैं मूंगफली, गर्मा गर्म मूंगफली सान लेके आनी है ना। हाँ जी, the next day अभी आपका भाई जाने लगा है बैक टू सियालकोट। परसों में आया हूँ तो आज फिर मैं जाने लगा हूँ कुछ है खरीद के साथ। पहले लाहौर पहुँचती हूँ, लाहौर से फिर हम सियालकोट में चले जाते हैं। और ये देखिए आज मैंने टोपी जो है फ्राई किया माइक्रोवेव में मैंने रख ली थी, क्योंकि ये जो चीज़ गिरी थी तो माइक्रोवेव मैंने रखी है। तो अब ये कुछ तो अभी मैं लास्ट टाइम इधर आया था साहिबाद में, तो आज फिर मैं जा रहा हूँ बैक टू सियालकोट। तो जल्दी से उधर से टिकट वगैरह लेते हैं, टिकट लेके गाड़ी में बैठी और फिर इंशाल्लाह निकलते हैं लाहौर के लिए। टिकट यार ले ली है 3:15 बजे, इधर से चलनी है बस फैसलपुर, और 1 घंटा 15 मिनट मुझे अभी वेट करना पड़ेगा। अभी टाइम जो है ना वो 2 बज गए हैं, अभी वेट ही करेंगे और क्या करेंगे। बालाजी का वाड़ा है और क्या करना है, फंस गए हैं यार। चलें कोई वेटिंग में आते हैं, आपके भैया आ गया है सामने, आपके भाई ने न्यूज़ वगैरह लगाई हुई है, वेट करते हैं फिर इंशाल्लाह निकलते हैं लाहौर के लिए। देर से ही सही है लेकिन फोन तो जाएगा तो जाएंगे ना के बस का इंतजार कर रहा था, तो बस में से पहले आ गया यू ये था। यार मुझे इतना को तेज वॉशरूम आया था ना, तो बस ने सिर्फ फ्यू मिनट के लिए रुकना था, बस मुसाफिर जोन से नीचे उतारने थे। तो आपके भाई को इतना को तेज वॉशरूम आया था ना कि बस वो जो ब्लेडर होता ना वो फटने वाला था। सामने खड़ी है मैंने बोला थोड़ी देर के लिए, तो आप जल्दी से आइएगा। तो अब अपनी बस में बैठते हैं यार, और बोला यार बस में मैं बैठ गया हूँ, क्या बताऊँ बहुत बुरी फीलिंग थी आपके भाई के साथ, और अभी बहुत कम फील हो रहा है यार। आपका भाई लाहौर में पहुँच चुके हैं खैरियत के साथ, और अभी वो मिनी बस खड़ी है उधर सामने, उधर जाके हम क्या कहते हैं टिकट बुक करते हैं, और फिर टिकट ने लगी हुई है अभी, फिर टिकट लेंगे तो इंशाल्लाह सियालकोट वाना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट मैं सेफली पहुंच चुका हूं, तो भूख आपके भाई को बहुत ज़्यादा लगी है। बस सुबह का नाश्ता किया हुआ है, 2 परांठे खाया है बस, तो अल्हम्दुलिल्लाह घर चलते हैं खाना खाते हैं, या रेस्टोरेंट के ऊपर जाके वो खाना खा लेते हैं वो सही रहेगा, क्योंकि बाहर से खाना पड़ेगा क्योंकि सारी फैमिली जो है वो साहिवाल में है, तो खाना किसने बनाना है, इस वजह से बाहर जाके कुछ खाना खाते हैं। और स्मोक देखें आप कितनी ज़्यादा है, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है। तो गाड़ी में जो सी थी ना गर्मी थी और बाहर आए हो तो ठंड स्टार्ट हो गया। चलें जब घर चलते, मैंने घर में कॉल नहीं की ना भाई को की है, तो मैं पैदल ही घर जाऊंगा, क्या करना है यार बाइक के ऊपर जाके हमें ठंड लगवा लूँगा अपने आप। पैदल चलते जाते आराम से, हमें क्या है। तो भाई साहब अमरूद वाला मिल गया, मैं क्या अमरूद को दिखा लें, अभी तो रेस्टोरेंट दूर है खाने वाली जगह, बिरयानी वगैरह खानी है, शामी वगैरह खाने हैं, तो वो अभी आगे हैं काफ़ी आगे हैं, तो मैं क्या अमरूद वगैरह खा लेते हैं। इतनी ज़्यादा ठंड है, ऊपर से आपका भाई बुखार है, साहब बहुत ज़्यादा ठंड है आपके भाई को, सर्दी कसम से लग जानी है, आपके भाई ने हो जाना है बीमार। खाना किधर खाना है ये डिसाइड हो ही नहीं रहा, कहाँ पे खाऊँ। भाई साहब आपके भाई ने जो सा रास्ता ना वो ग्राउंड का यूज़ किया है, सुनसान जगह है, तो खैरियत के साथ यार घर चले जाएँ। और सामने ही घर है लेकिन मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इस वजह से नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हर जगह स्मोक ही स्मोक है, ये देख लें आपको भी नज़र नहीं आ रहा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आगे कुत्ते हैं, और कुत्ते अगर भौंकना स्टार्ट हो गए और आपके भाई के पीछे पड़ गए तो फिर आपका भाई
भागेगा और क्या करेगा। तो खाना मैंने खा लिया, शामी मैंने खाए हैं। अच्छा ठीक है, मुझे आगे यार कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, ये देखें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ऊपर से जो सा फ्लैश है ना मेरे मुंह पर पड़ रहा, मेरी आंखों के सामने आ जाता फ्लैश, इस वजह से सामने नजर भी नहीं आ रहा, तो मैं नीचे देख के चलता हूँ। अच्छा आपसे बात करनी थी यार भाई को सपोर्ट वगैरह किया करें, ठीक है अभी मैं गिरने लगा था यार, तो यार मुझे सपोर्ट वगैरह किया करें, मेरी वीडियो को आगे शेयर किया करें, आपकी बात थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए ठीक है। और इंशाल्लाह आपके भाई का भी चैनल इंशाल्लाह बहुत जल्द ग्रो करेगा। तो अगर मेरी कोई मिस्टेक वगैरह, अगर मैं वीडियो थोड़ी सी कैप्चर सही नहीं करता तो मुझे बता दिए करें कमेंट में यार, जो भी मुझे देखते हैं चाहे 20 लोग देखते हैं या 50 देखते हैं, जितने भी देखते हैं, तो प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई किया करें। तो इंशाल्लाह आपके भाई का एक अच्छा और ब्रांडेड चैनल हो, ऑफिशियल चैनल होगा। तो इधर ही करता हूँ मैं ब्लॉग को एंड, मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ, मेरे सर में दर्द हो रही है और टोपी मैंने ना साइड वाली पॉकेट में डाली हुई थी तो फिर मैंने निकाली है, मेरे कान जो से ठंडे हो गए थे। तो अब मैं घर जा रहा हूँ, लाइट भी नहीं है इस वजह से कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है। तो आपने सपोर्ट करना अपने भाई को, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द ग्रो करेगा। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से लाइक और बेल आइकन को दबा के सब्सक्राइब कर लें, और आपके भाई का जो सा हाथ है ना वो थक गया। ओके अल्लाह हाफिज़।